सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। इंडियन आर्मी अग्निवीर का फाइनली रिजल्ट निकल के सामने आ चुका है। बहुत सारे एआरओ का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे एआरओ का रिजल्ट आना बाकी है। और दोस्तों, अब की बार अग्निवीर का जो कट ऑफ गया है वो फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा कम कट ऑफ गया हुआ है। कट ऑफ कितने गए हैं, कितना नंबर रखोगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा अग्निवीर की फाइनल वाले कट ऑफ में, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फिगर ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल आपके साथ, आपका भाई है ना, इसने कोई जरूरत नहीं है। अगर हम रिजल्ट की बात करें, कौन कौन से एआरओ का रिजल्ट अभी तक निकल के सामने आ चुका है, तो पूरा दोस्तों एआरओ का मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूं। ये सारे एआरओ का रिजल्ट अभी तक निकल के सामने आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे दोस्तों एआरओ, आरओ, जेआरओ, इन सबका दोस्तों यहाँ पे नाम और लिस्ट के साथ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से दोस्तों आप जाके इसको देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका रिजल्ट सब निकल के सामने आ रहा है, किसका किसका है। सबसे पहले यहाँ पे अलवर, कोटा, झुंझुन, जयपुर, जोधपुर, इन सब का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ये सारे दोस्तों जितने भी हैं इन सबका रिजल्ट निकल के सामने आ चुका है। और अभी तक बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक रिजल्ट सामने नहीं निकल के आया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जामनगर, यहाँ पे मुंबई, नागपुर, पुणे, तो ये सारे दोस्तों जितने भी जोन है, ठीक है, ये सारे जोन का रिजल्ट निकल के सामने आ चुका है। एआरओ, जेडआरओ, ठीक है, तो इन सबका दोस्तों रिजल्ट आया हुआ है। और बहुत सारे अभी एआरओ, जेडआरओ का रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है। तो अब जितने भी दोस्तों एआरओ, जेडआरओ का रिजल्ट आया है, इन सबका दोस्तों कितना नंबर रखने पर इन सबका रिजल्ट बना है, और दोस्तों आपका अभी तक जिसका नहीं आया उसका कितना नंबर रखने पर रिजल्ट बनेगा, और कितना नंबर रखोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पे कितने कितने बंदों को सिलेक्ट किया उसका एक छोटा सा लिस्ट बनाया हुआ है आप सभी के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर जयपुर से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो जयपुर में आपकी बार एचक्यू जयपुर में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है फिजिकल के लिए, तो 5684 बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं जीआरओ जयपुर की बात करें तो यहां पे दोस्तों कितने बच्चों को बुलाया गया, तो 33,299 बच्चों को दोस्तों यहाँ पे जयपुर वाले एआरओ में सिलेक्ट किया गया है आपके फिजिकल के लिए। ये जो आपका दोस्तों मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये दोस्तों आपके अग्निवीर, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, उसके बाद आपके फीमेल की जो कट ऑफ निकली हुई थी, फीमेल का जो पोस्ट था उसके लिए, मतलब जितने भी ऑलराउंडर, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, सारे पोस्टों के लिए, जीडी के सब मिला के जितने जितने एआरओ और जेडआरओ में बच्चों को बुलाया गया है उन सबका ये लिस्ट है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे झुंझुन आपके एआरओ में कितने बच्चों को बुलाया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 6277 बच्चों को बुलाया गया है। अगर हम दोस्तों एआरओ कोटा की बात करें तो यहाँ पे 8458 बच्चों को बुलाया गया है। अगर हम दोस्तों एआरओ अलवर की बात करें तो 5816 बच्चों को बुलाया गया है। अगर हम लोग एआरओ जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे 7064 बच्चों को बुलाया गया है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ही कट ऑफ किसके हाई गए हैं और कट ऑफ किसका कम गया है, तो मैं बता दूं जहां पे, जैसे कि दोस्तों अलवर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 36% अगर आपने रखा हुआ है तो भैया आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, ठीक है, नहीं तो भैया आपको नहीं बुलाया। लेकिन अगर हम लोग जयपुर की बात करें तो यहाँ पे 35 नंबर रखने में, 35 या दोस्तों आपने 32 नंबर भी रखा हुआ है, मतलब 35 से लेकर 32% मैं बोल रहा हूँ, इतना भी अगर आपका स्कोर बन रहा है तो दोस्तों जयपुर वाले में आप बच्चों को बुलाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, किसी एआरओ में कम बच्चों को बुलाया गया है, किसी एआरओ में ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है। जिस एआरओ में ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है उस एआरओ का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गए हैं, और जिस एआरओ में कम बच्चों को बुलाया गया है उस एआरओ का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है। बहुत ज्यादा हाई मतलब क्या, मैं बता दूं कट ऑफ जो भी है 30 से लेके 36% के भीतर ही अपने अग्निवीर के बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए। मतलब दोस्तों अगर आपका यहाँ पे स्कोर की बात करें तो फिजिकल कट ऑफ की, तो यहाँ पे एक जो कट ऑफ है वो है दोस्तों आपके 32% में बच्चों को बुलाया जा रहा है, और एक जो कट ऑफ है जो हाई वाला है उसमें दोस्तों 36% में बच्चों को बुलाया जा रहा है। बस यही स्कोर है, इससे ज्यादा आप कट ऑफ हाई नहीं गए हैं। अगर हम लोग दोस्तों बात करें कितना नंबर हो रहा है, तो अगर हम लोग दोस्तों 100 नंबर में से 36% नंबर की बात करें तो 36% कितना होता है दोस्तों, 36 नंबर को ही 36% बोलेंगे ना, यहाँ पे 100 में से आपके 36% को अगर लिया जाए तो 36 नंबर को ही दोस्तों यहाँ पे 36% बोला जाएगा। देन दोस्तों अगर आपने और किसी एग्जाम दिया है, जैसे कि आप दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर था, उसमें से दोस्तों अगर हम लोग 36% उठाएं, ठीक है, उनका, तो कितना होगा, तो 76 नंबर रखोगे तो आपका 36 नंबर होगा 200 नंबर के पेपर में से। तो ये दोस्तों इतने ही नंबर हैं जो उसका फाइनल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। इससे इतना अगर आपका स्कोर है, 100 में से 36 नंबर आपने रख दिया है, तो भैया आपका कंफर्म आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। और अगर 200 नंबर का पेपर हुआ है, 200 नंबर में से अगर आपने 76 स्कोर किया है, तो आपको पक्का दोस्तों फिजिकल में बुलाया जा रहा है। यही आपके फिजिकल कट ऑफ है। आप सभी को पता है कट ऑफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके फिजिकल के कट ऑफ जो अब की बार उठे हैं, जिसमें बच्चे रनिंग करने जाएंगे, फिजिकल देंगे, और एक जो आपका कट ऑफ होगा वो होगा आपका फाइनल कट ऑफ।
तो अभी दोस्तों अगर आपने 36 नंबर स्कोर किया हुआ है तो भैया आपको फिजिकल के बुलाया जा रहा है। और किसी किसी जो आपके एआरओ चाहे जेडआरओ है, किसी किसी जेडआरओ में जहां पे बहुत ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है तो वहां पे 32 नंबर रखने पे ही बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है। मतलब आपने 100 में से 32 नंबर भी लाया होगा तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा 32% का, यही मतलब है। और दोस्तों जो 200 नंबर का पेपर उसमें हमेशा बोलता हूँ उसमें 36%, तो मैं आपको 36 नंबर 36% आपको बोल रहा हूँ, अगर 36% है तो भैया आपको कंफर्म बुलाया जाएगा। चाहे आपने 200 नंबर का पेपर दिया हो चाहे 100 नंबर पेपर दिया हो, बस आपका 36% आप निकाल लेना। अगर आपका 36% आ रहा है तो आपको कंफर्म भैया फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो यही आपके कट ऑफ गए हुए हैं और ये सारे एआरओ में इतने बच्चों को बुलाया गया है, यहाँ मैंने लिस्ट दे दिया, आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हो। और मैं आपको बता दूं जिन जिन एआरओ का अभी तक रिजल्ट निकल के सामने आ चुका है तो उन सारे एआरओ का जो रिजल्ट है ये मेरे को आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल को अवेलेबल हो जाएगा। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये करीब आप यहाँ पे देख सकते हैं अग्निवीर का आपको खाली रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा रात के दोस्तों 1 बजे 2 बजे में को, जब भी दोस्तों जैसे जैसे आपके रिजल्ट आते गए मैंने सारा रिजल्ट यहाँ पे अपलोड करता गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आपके दोस्तों अपलोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे जैसे दोस्तों रिजल्ट आते गए मैं रिजल्ट अपलोड करता गया यहाँ पे। और दोस्तों ये पूरा दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट का लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दोस्तों आपके रिजल्ट है। तो जो भी जैसे भी दोस्तों आपके अपडेट आ रहा है वो सारा अपडेट मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जहां पे दोस्तों एप्लॉक्स 24,700 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपका जितना भी दोस्तों एआरओ का लिस्ट है सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सारा लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा जितना भी अग्निवीर का रिजल्ट है उस सबका। और अगर आप दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जाके आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी जाके रिजल्ट में जाके देख सकते हो। बट वहां पे क्या आपको कंफर्मेशन नहीं होगा कि आपके एआरओ का रिजल्ट है कि किसी और एआरओ का है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि जयपुर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे जोधपुर हो गया, इसके बाद यहाँ पे सबका आपको मिल जाएगा, चाहे अलवर हो गया, कोटा हो गया, जोधपुर हो गया, तो इन सबका मैंने अलग अलग करके डाला हुआ है, मुहा हो गया, तो यहाँ पे सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों कितना कट ऑफ गया हुआ मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर दोस्तों आपका 36% है चाहे आपने 100 नंबर का पेपर दिया हो चाहे 200 नंबर का पेपर दिया हो, मैं 36% की बात कर रहा हूँ, 36% अगर आपने नंबर रखा है तो भैया आपको कंफर्म आपकी बार बुलाया जाएगा फिजिकल में। आप लोग फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट आपका कितना में लगने वाला है, तो देखिए फाइनल मेरिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोच लीजिए जहाँ पे कम बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पे अप्रोच जो वैकेंसी होगी वो कम होगी इसीलिए कम बच्चों को बुलाया गया है, तो आपका जो फाइनल मेरिट होगा जैसे कि आपको फिजिकल के 36% पर अगर बुलाया जा रहा है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा आप यहाँ पे देख लेना 42 से लेकर 45% के भीतर कर देगा। कुछ कुछ एआरओ जहाँ पे ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल में उन बच्चों का दोस्तों 42 नंबर रखने पर कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, और जहाँ पे कम बच्चों को बुलाया गया है फिजिकल के वहां पे 45 नंबर आप रख दोगे मतलब 45% तो भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे 100 नंबर का पेपर हो चाहे 200 नंबर का पेपर हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और जैसे जैसे दोस्तों रिजल्ट आते जा रहा है सारे एआरओ का मैं यहाँ पे अपडेट करते जा रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे जुड़ोगे तो आपको सब लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, ये जितना भी रिजल्ट आया हुआ है इन सब का लिस्ट मैंने अपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दिया है। तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाओ, वहां पर आपको सारा लिस्ट अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का नाम आया हुआ है, जिन बच्चों का नाम आया कांग्रेचुलेशन, जिनका नाम नहीं आया है एसएसजीडी की नई वैकेंसी आ रही है, अग्निवीर की नई वैकेंसी आ रही है, उनकी तैयारी में लगना है। और मेरे चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपका भाई आपके साथ है, फिक्र क्या बात है, मैं हूँ आपके साथ, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ में रहेंगे और पूरा दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा इसकी पूरी गारंटी है। बहुत जल्दी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वेबसाइट वगैरह पे प्लान काम चल रहा है, बहुत जल्दी सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म के नाम से वेबसाइट भी आ जाएगी, वहाँ पे दोस्तों मैं अग्निवीर एसएससीजीडी आपके आरपीएफ कांस्टेबल के क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी बहुत कम से कम रेट में, हो सकता है मैं 20 से लेकर 30 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूं जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलने वाला, वो भी ओरिजिनल पेपर रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो बस आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, साथ रहो और आपके सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।